अभी अपन ने देखा अपने को चार संक्रियाएं पढ़नी है। इसमें से पहली संक्रिया है अपने जोड़, जिसे अपन बोलते हैं योग भी, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडिशन। इसका चिन्ह होता है ऐसा, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में प्लस या हिंदी में बोलते हैं इसको धनात्मक। ये नाम आपको आगे ध्यान रखने हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है, चार ऑपरेशन है। चारों ऑपरेशनों में से जो सबसे सिंपल ऑपरेशन है ये है अपने जोड़ ऑपरेशन है। आसानी से कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन क्या बन जाएंगे, इसको सीख कर अपन बन जाएंगे जोड़ के डॉक्टर। तो देखो सिंपल तरीका, पहला सिंपल सवाल से लेते हैं अपन, दो और चार को जोड़ना है, दो और चार को जोड़ना है। तो जोड़ने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि दो मिठाई थी मेरे पास और चार मिठाई और हो गई मेरे पास, तो मेरे पास हो गई एक दो तीन चार पांच छह मिठाई हो गई। कितनी मिठाई हो गई, छह मिठाई। तो छह को मैं यहाँ लिख दूंगा, कितनी मिठाई हो गई, छह मिठाई हो गई। तो अपन ऐसे मान छोड़ दो चलो, और यहाँ पे लिख दो, कुछ नहीं, सिंपल है। अब देखो दो दो अंक वाले आ गए, तो अपन इस तरह जोड़ते चलेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इधर जो संख्या होगी उनको ऐसे जोड़ते हुए चलेंगे। पहले ऐसे नहीं कि इसको और इसको जोड़ दी तो अपना सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस साइड से अपने को जैसे इकाई अंक है तीन और इसका इकाई अंक है चार, पहले इकाई अंक को जोड़ा जाता है फिर दहाई अंक को जोड़ा जाएगा, फिर वैसे ही ऐसे जोड़ते चलेंगे, यानी इस तरफ अपने को जोड़ते हुए चलना है। तो पहला है अपने पास तीन और दूसरा है चार, या इसको मिठाई मान लो, या इसको ऐसे मान लो कि आपके पास तीन रुपए थे और पापा ने चार रुपए और दे दिए आपको, एक दो तीन चार रुपए हो गए। अब आपके पास कितने पैसे हो गए, यू नो एक दो तीन चार पाँच छः सात रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, सात। तो सात को अपन लिख देंगे, आपके पास कितने हो गए, सात रुपये हो गए। अब अलग तरीका एक और, आपके पास है चार और पांच, अपने को जोड़ना है चार को और पांच को जोड़ना अपने को। तो एक तरीका और है उंगलियों पे, उंगलियों पे अपने जैसे ये निशान है यहाँ से यहाँ तक के लेके, तो कितने हैं गिनो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह है, पंद्रह है अपने। तो अपन उंगलियों के ऊपर भी इसको आसानी से गिन सकते हैं, जैसे चार है गिनो, एक दो तीन और चार, चार के ऊपर है पांच, एक दो तीन चार पांच, कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, आगे कुछ नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, वापिस आएंगे, यू नो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, कितने हो गए, नौ। तो चार और पांच को जोड़ने पे कितना आया, नौ आया अपने पास। ये तरीका है। या एक और तरीका, छ और दो को जोड़ो, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छ, कितने पेन है आपके पास, मान लो छह पेन है, एक दो तीन चार पाँच और छह पेन है। आपने दो पेन और खरीद लिए तो एक और दो पेन हो और आ गया आपके पास। अब गिनो कितने पेन हो गए आपके पास, गिनो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ पेन हो गए। कितने पेन हो गए आपके पास, आठ पेन हो गए। एक और तरीका, आप दो दोस्तों और तीन दोस्त आपके साथ और जुड़ गए तो कितने हो गए, पांच। डायरेक्ट कर लो या ऐसे कर लो, कितने हो गए, पांच दोस्त हो गए आप। कितने दोस्त हो गए, पांच। पांच फ्रेंड हो आप, आपके साथ चार फ्रेंड और जुड़ गए, कितने हो गए, नौ फ्रेंड हो गए। ये हो गया अपने सिंपल जोड़। अब यहाँ तक तो सिंपल है, आगे देखेंगे अपन हासिल वाले, आगे देखेंगे अपन हासिल वाले। तो हासिल वालों में क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल होता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये कठिन लगता है, उनको आते ही नहीं है। तो आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको सिंपली आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। देखो आठ और सात को जोड़ना है, आठ और सात को जोड़ना है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे जोड़ लो, ऐसे ऐसे या ऐसे, या अपने तरीके से सीधे जोड़ लो कि आप सात फ्रेंड थे और आपके साथ आठ और जुड़ गए तो
कितने हो गए 15। या ऐसे डायरेक्ट ना जोड़ पाओ तो सीधा सा तरीका है कि अपने को पापा ने 7 रुपए दिए थे पहले, कितने दिए थे 7 रुपए दिए थे, फिर मम्मी ने 8 रुपए और दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपए और मम्मी ने दे दिए, तो अपने पास कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 रुपये हो गए आपके पास। कितने रुपए हो गए ये 15 रुपये हो गए आपके पास। 15 रुपये से लिखते हैं अपन। अभी तक अपने पास कितने अंक आ रहे थे जब भी जोड़ रहे तो अपने पास इनको इनको जोड़ा था कितना अंक आया था अपने पास 7 आया था, तो इसमें एक ही अंक है, इसमें कितने अंक है 2 अंक है, एक अंक है 5 और दूसरा अंक है 1 है, तो इसमें पूरे जो दोनों अंक है इनको ऐसे कैसे अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ जो पहला अंक है पहला अंक अपने पास 5 है वो तो आ जाएगा यहाँ पे, और जो दूसरा अंक है दूसरा जो अंक है 8 को 7 को जोड़ा अपन ने तो इसके नीचे आ गया 5, अब इनके आगे कौन है 5 और 9 है, 5 और 9 है, तो 5 के ऊपर कौन, सॉरी 9 के ऊपर कौन है 5 और 5 के ऊपर कौन है कुछ नहीं, तो ये 1 चला जाएगा इसके ऊपर, जिसे बोलते हैं हासिल। क्या बोलते हैं हासिल है, और हासिल को हमेशा गोले में बंद करते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे सिंपली, 9 फ्रेंड थे 5 फ्रेंड और आ गए आपके साथ, कितने हो गए 14, और 1 फ्रेंड और जुड़ गया आपके साथ तो कितने हो गए 15। हासिल को भी जोड़ते हैं तो इसमें भी फिर 2 अंक आ गए, तो पहला अंक है 5, पहला अंक है 5, तो पहले अंक है 5, तो इसको अपन यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इनके आगे कौन है कुछ नहीं, तो 1 कहाँ जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएगा 1, 5 के साथ ही चला जाएगा यहां से, ये हो गया सिंपल, ठीक है। ये होता है हासिल के जोड़, ये जो मैंने तीर ऐसे घुमाई है ये आपको समझाने के लिए लगाई है, इसे आप जब आपके सर काम दे आपको तो उसमें ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है। अब इसमें देखें सिंपल, 9 फ्रेंड हो आपके साथ 4 फ्रेंड और जुड़ गए तो कितने फ्रेंड हो गए आप 13, तो 13 का पहला अंक है 3 तो यहाँ आ जाएगा, और ये 1 चले जाएगा, इसको और इसको जोड़ा तो 3 यहाँ आ गया, इसके आगे कौन है 8 और 6, तो हासिल कहाँ चली जाएगी 8 के ऊपर चली जाएगी। अब जोड़ो 6 और 8 को, कितने हो गए 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लग गई 1। अब देखो 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगी 1, 8 और 6 14, 14 और 1 15 कितने हो गए 15 हो गए, 15 पैसे की पैसे। ऐसे ही आगे सवाल है 3 3 के आ जाए जब तो कैसे करें, 5 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 का 1 हासिल लग गई 1 0, यानी आपके पास 1 रुपये ही नहीं है ऐसे मान लो, यानी कुछ भी नहीं आपके, मतलब आपके पास क्या है 0 है, आपको पापा ने कितने दे दिए 5 रुपये, तब आपके पास कितने हो गए 5 हो गए, कितने हो गए 5, मम्मी ने और दे दिया आपको कितने 6 रुपये, तो अब आपके पास कितने हो गए 11, पर एक हासिल है उसे भी जोड़ेंगे तो आपके पास कितने हो गए 12 हो गए, कितने हो गए 12, तो 12 का 2 हासिल लगी 1। अब जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लग गई 1, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 का 0, 2 कहाँ जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं तो 2 ऐसे के ऐसे यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। आगे देखते हैं, जब चार चार वाले आए हैं, चार संख्या वाले, तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, जैसे जोड़ते आए वैसे जोड़ते चलेंगे, इस तरफ से जोड़ते चलेंगे ऐसे। तो तीन और जीरो, जीरो में कुछ होता ही नहीं, तो तीन ही रहेगा। आठ ग्यारह, ग्यारह और चार पंद्रह, पंद्रह का पांच, हासिल लगी एक। चार और जीरो, जीरो में कुछ होता ही नहीं, तो ऐसे कैसे चार रहेगा। चार और सात ग्यारह, ग्यारह नौ बीस, बीस और एक इक्कीस, पहला अंक है एक, जो तो यहाँ आ जाएगा और दो कहाँ जाएगा, सबके ऊपर। पांच, जीरो में कुछ नहीं फिर, तो पांच ही रहेगा। और छह, ग्यारह, ग्यारह पांच कितना हो गया, ग्यारह पांच सोलह, सोलह एक सत्रह, सत्रह का सात, ऐसी लगी एक। आठ और सात बताओ पंद्रह, पंद्रह और तीन अठारह, अठारह और तीन इक्कीस, इक्कीस और एक बाईस। तो ये दो यहाँ पे, इससे आगे कुछ है कुछ नहीं, तो ये दो यहाँ पे चला जाएगा। ये होता है अपने योग या जोड़ना, जो बिल्कुल सिंपल है। ये ऑपरेशन सबसे आसान ऑपरेशन है, इसमें अपन आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन घटाओ उतारो, जैसा मैंने बताया है आपको वैसे के वैसे उतारना है, या आपको समझने के लिए है, आपको आसानी रहेगी जब आप दोबारा पढ़ोगे रिवीजन करोगे। तो आपको एक कॉपी लेनी है मोटी सी बढ़िया, जिसमें आपको गणित के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वो आपके सिस्टमेटिक रहेगी, जिसमें आपको जो जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ वो चीज़ें सारी आपके उसमें होनी चाहिए। जब आप उन किताब में से सवाल करेंगे तो वो उसमें आपको सहायता रहेगी। उसमें अगर आपके पास नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ भी बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे कैसे उतारेंगे।